शहर के इमामवाड़ा आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए बेड व सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद कोरोना मरीजों का उपचार नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप प्रभाग 17 के नगर सेवक विजय सुटेले ने लगाया, जिसको पीसीएन न्यूज ने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। इस खबर का असर इस तरीके से हुआ कि शुक्रवार को खुद महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस जगह का दौरा किया और यहां मौजूद बेड शुरू करने का आश्वासन दिया। शहर में बेड की कमी के बीच इमामवाड़ा आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए बेड है, लेकिन फिर भी उनका उपचार नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप प्रभाग 17 के नगर सेवक विजय सुटेले ने बीसीएन न्यूज के माध्यम से लगाया था। इस दौरान उनका कहना था कि इमामवाड़ा आइसोलेशन सेंटर में 32 बेड है, जिनमें 16 बेड में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं जो बचे हुए बेड है उस रूम में पर्दा डालकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस खबर को जब बीसीएन न्यूज द्वारा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से चलाया गया, उसका असर इस तरीके से हुआ कि खुद महापौर दयाशंकर तिवारी ने जगह का जायजा लिया और शुक्रवार शाम तक बचे हुए बेड शुरू करने का आश्वासन दिया। इस वक्त विजय सुटेले ने बीसीएन न्यूज का धन्यवाद किया और कहा कि बीसीएन न्यूज के माध्यम से ही ये खबर सामने आई है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी, मैं नगर सेवक विजय गोपाल सुटेले। कल बीसीएन के माध्यम से अपन ने यहाँ आइसोलेशन हॉस्पिटल में जो देखा, जिसमें अपन को ध्यान में आया कि 16 बेड जो थे वो अनुपयोगी थे, जो उपयोग में नहीं लाया जा रहा था पेशेंटों के लिए। कल बीसीएन के माध्यम से वो न्यूज़ पूरे चैनलों में प्रकाशित हुई और उसके माध्यम से आज हमारा महापौर से संपर्क कर, आज महापौर का हमने खुद माननीय दयाशंकर जी तिवारी स्वयं आइसोलेशन हॉस्पिटल पर विजिट किए और विजिट के दरमियान उन्होंने देखा कि 16 बेड जिस प्रकार से धूल खा रहे हैं, जो पेशेंट के लिए उपयोग में ना आ पा रहे, तो ऐसे बेड को देखते हुए तुरंत महापौर ने जो संबंधित अधिकारी उनको फटकार लगाई और तुरंत ही आज शाम तक उन्होंने निर्देश दिया कि वो 16 बेड जो है कोविड पेशेंटों के लिए उपयोग में लाया जाए और तुरंत वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था, जो डॉक्टर की कमी की वजह से माननीय आयुक्त ने बोला था कि डॉक्टर की कमी की वजह से यहाँ पर 16 बेड को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। महापौर ने यहाँ पे तुरंत अभी निर्देश दिया है कि जो डॉक्टर की कमी है उस कमी को भी दूर किया जाए, तुरंत डॉक्टरों का स्टाफ यहाँ भेजा जाए और 16 बेड जो रिक्त पड़े हैं वो रिक्त बेडों को भी कोविड पेशेंटों के लिए उपयोग में लाया जाए और तुरंत इस यहाँ पे आइसोलेशन हॉस्पिटल का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जो सेंटर के नाम से ये 16 बेड को यहाँ रखा गया था, वो वैक्सीनेशन सेंटर को बाजू की बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम ये शुरू हो चुका है। मैं इसके लिए महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत इस बात को तुरंत ध्यान में लेते हुए आज यहाँ विजिट की और तुरंत डॉक्टरों की व्यवस्था करने के लिए या अधिकारियों को निर्देश दिया और 16 बेड को शुरू करने के लिए उन्होंने पहल की, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रभाग क्रमांक 17 की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वक्त महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी बीसीएन से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआत में वैक्सीनेशन सेंटर के पास ऑब्जर्वेशन सेंटर होना चाहिए, इस दृष्टि से इसे हमने इतने बेड को वैक्सीनेशन के उपयोग में लाया था, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण अपने चरण पर है और वैक्सीनेशन के भी ज्यादा कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं, तब हमने यह निर्णय लिया है कि वैक्सीनेशन सेंटर को बाजू की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए और शुक्रवार शाम तक यह बचे हुए बेड्स को ऑक्सीजन की सुविधा के साथ उपलब्ध कराया जाए। यहाँ हमारा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू है और वैक्सीनेशन सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए उसके दृष्टि से कुछ पलंग यहाँ हमने एंगेज करके रखे थे, कारण शासन के निर्देशों के अनुरूप वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए करके। शुरुआत में ये अपेक्षा नहीं थी कि कितने बड़े प्रमाण में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को उसका इन्फेक्शन होगा क्या होगा अभी, लेकिन असेसमेंट ऐसा है कि इन्फेक्शन नहीं के बराबर है, एलर्जी नहीं के बराबर है, इसलिए इतनी ज़्यादा बेड रखने की आवश्यकता नहीं, कम बेड में भी हम उसको कर सकते हैं। इस दृष्टि से यहाँ का वैक्सीनेशन सेंटर बाजू में हमारा जो रूम है उसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक ये 16 बेड एडिशनल हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एडिशनल 16 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ जब बेड बढ़ रहे तो यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी 30 सिलेंडर रोज लगेंगे, उसकी व्यवस्था भी महानगर पालिका बेड शुरू होने के पहले कर दे तो आने वाले समय में हमको तकलीफ नहीं जाएगी, 15 बेड एडिशनल। इस वक्त महापौर ने जानकारी दी कि बेड्स की बढ़ती संख्या के साथ ही अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा मनपा प्रशासन द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।